वेलकम टू लेसन नंबर 24। इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट फेसबुक पिक्सल, राइट। सो मैं बेसिकली इस लेसन में आपको एक ओवरव्यू दूंगा अबाउट फेसबुक पिक्सल। ये होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, क्यों आपके लिए ज़रूरी है, कैसे इंस्टॉल करना होता है, इसका एक ओवरव्यू लेंगे और आगे वाले लेसन्स में हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है, राइट। होता क्या है, एक सिंपल एग्जांपल आप देखो, आप लोगों के घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास बिल आता होगा, आप जितना भी बिल कंज्यूम करते हो उसका आपके पास बिल आता होगा। मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और यहाँ बड़े दो तीन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, एक है BSES, ठीक है। अब मेरे घर BSES का बिल आता है हर मंथ, जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता हूँ उस हिसाब से बिल मेरे को BSES भेजता है। सो पॉइंट इज, BSES को ये पता कैसे चलता है कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, बताओ जी। बहुत ही सिंपल है, BSES ने उसके लिए क्या किया हुआ है, एक मीटर मेरे घर पे लगाया हुआ है, जो मीटर ये काउंट करता है कि मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो मीटर मेरे घर पे ना हो देन BSES ये ट्रैक नहीं कर सकता कि मेरे घर पे कितनी बिजली यूज हो रही है, कितनी नहीं हो रही। सिमिलरली अभी आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे आ रहा होगा ट्रैफिक। क्या हो रहा होगा आपकी वेबसाइट पे, ट्रैफिक, लोग आ रहे होंगे, है ना। ये बनाई आपने वेबसाइट और इस पे आप भेज रहे हो ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक किसके थ्रू भेज रहे हो, फेसबुक के थ्रू, ठीक। आपने बनाई है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आ रहा है ट्रैफिक, ये ट्रैफिक आप भेज रहे हो थ्रू फेसबुक। अब ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये आके आपके वेबसाइट पे बहुत कुछ कर सकता है। पहली बात तो ये आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, देन ये आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है, देन आपकी वेबसाइट पे कोई लीड फॉर्म भर सकता है, तो ये बड़ी सारी एक्टिविटी कर रहा है। अब ये एक्टिविटी फेसबुक कैसे ट्रैक कर सकता है, फेसबुक कोई भगवान तो है नहीं कि अपने आप सारी एक्टिविटी ट्रैक कर ली, बताओ पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो जैसे BSES मेरे घर पे बिजली का बिल ट्रैक करने के लिए अपना मीटर लगा रही थी, सिमिलरली फेसबुक ये ट्रैक करने के लिए कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या लगाएगा, एक ट्रैकिंग कोड, क्या लगाएगा, एक ट्रैकिंग कोड। और इस ट्रैकिंग कोड को क्या कहता है फेसबुक, इस ट्रैकिंग कोड को फेसबुक कहता है फेसबुक पिक्सल, क्लियर है। फेसबुक क्या लगाएगा, मेरी वेबसाइट पे ट्रैकिंग कोड, और इस ट्रैकिंग कोड को फेसबुक कहता है फेसबुक पिक्सल। और जैसे BSES को मेरे घर पे बिजली का बिल लगते ही सारी इंफॉर्मेशन मिलने लग गई कि मेरे घर पे कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, वैसे ही अब फेसबुक को सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, प्लस मेरी कौन सी एड से सेल आ रही है, कौन सी एड से लीड आ रही है, वो भी इंफॉर्मेशन अब फेसबुक के पास डायरेक्टली आने लगेगी, ठीक है। वो भी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास डायरेक्टली आने लगेगी। अब आप एक और चीज समझो, फेसबुक जो है उस पे दो टाइप की ट्रैकिंग होती है, ठीक है। एक कौन सी होती है, एक्टिविटी इनसाइड फेसबुक, दूसरी होती है एक्टिविटी आउटसाइड फेसबुक। एक्टिविटी इनसाइड फेसबुक एंड सेकेंड वन इज एक्टिविटी आउटसाइड फेसबुक। एक्टिविटी इनसाइड फेसबुक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा पेज है ना, अब आपने मेरे पेज को लाइक किया तो ये काम आप कहां कर रहे हो, इनसाइड फेसबुक।
आपने मेरे पोस्ट के साथ एंगेज किया, ये काम आप कहां कर रहे हो? इनसाइड फेसबुक। आपने मेरी पोस्ट को शेयर किया, ये काम आप कहां कर रहे हो? इनसाइड फेसबुक। सिमिलरली आपने मेरी पोस्ट पे क्लिक किया, ये काम आप कहां कर रहे हो? तो इनसाइड फेसबुक। जो काम आप कर रहे हो इनसाइड फेसबुक, वो एक सारी एक्टिविटी फेसबुक ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। ठीक, जो काम हो रहा है इनसाइड फेसबुक, वो काम फेसबुक ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, और जो काम हो रहा है आउटसाइड फेसबुक, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे आए, ये काम कहाँ हो रहा है? इनसाइड फेसबुक, आउटसाइड फेसबुक? आउटसाइड फेसबुक। आपने मेरी वेबसाइट पे आके कोर्स खरीदा, ये काम कहाँ हो रहा है? इनसाइड फेसबुक, आउटसाइड फेसबुक? आउटसाइड फेसबुक। आपने मेरी वेबसाइट पे आके एक वीडियो देखी, ये काम कहाँ हो रहा है? इनसाइड फेसबुक, आउटसाइड फेसबुक? आउटसाइड फेसबुक। तो जो भी काम हो रहा है आउटसाइड फेसबुक, उसको ट्रैक करने के लिए हमें चाहिए फेसबुक पिक्सल। परफेक्ट है, उसे ट्रैक करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? फेसबुक पिक्सल। राइट, तो क्या होता है फेसबुक पिक्सल? फेसबुक पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे। उसको लगाने से होगा क्या? तो उसको लगाने से ये होगा कि आपके वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिट्स आए, कितने लोगों ने परचेस किया, कितने लोगों ने सेल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक पिक्सल ट्रैक कर सकता है। प्लस आपकी किस ऐड से सेल आई, किस ऐड से परचेज आई, किस ऐड से लीड बने, ये काम फेसबुक पिक्सल क्या करेगा? फेसबुक को बताएगा। प्लस इससे आप बना सकते हो कस्टम ऑडियंस, है ना, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग गए उसकी बन जाएगी ऑडियंस। ठीक है, तो ये सब काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ये सब हम काम कर सकते हैं थ्रू फेसबुक पिक्सल। ठीक है, अब देखो, सपोज करो, अब फेसबुक पिक्सल जो है वो दो पार्ट्स में बटे हैं या दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड इवेंट पिक्सल। ठीक है, स्टैंडर्ड इवेंट पिक्सल या स्टैंडर्ड पिक्सल कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है कस्टम इवेंट पिक्सल। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है कस्टम, या जिसको बस इवेंट पिक्सल भी कहते हैं। लोग इसको कहते हैं बस स्टैंडर्ड पिक्सल और इसको कहते हैं इवेंट पिक्सल। मैं कहता हूं इसको स्टैंडर्ड इवेंट पिक्सल और इसको मैं कहता हूं कस्टम इवेंट पिक्सल। आप इसको चाहो तो स्टैंडर्ड पिक्सल कह सकते हो, इसको इवेंट पिक्सल कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करता क्या है, सपोज करो ये रही आपकी वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे है 10 पेजेस या फॉर एग्जांपल 5 पेजेस। ठीक, एक पेज है होम, एक पेज है सबमिट फॉर्म, एक है थैंक यू पेज, एक है लैंडिंग पेज और एक है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है जी, ये आपकी वेबसाइट है, इस पे पेजेस है कितने? 5, होम, सबमिट फॉर्म, थैंक यू पेज, लैंडिंग पेज, प्राइवेसी पॉलिसी। अब आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड पिक्सल। राइट, अब ये स्टैंडर्ड पिक्सल क्या करेगा? आपकी वेबसाइट पे देखेगा कितने लोग आए, नहीं आए, किन पेजेस पे आए, नहीं आए। ये काम कौन करेगा? स्टैंडर्ड पिक्सल। ठीक है, अब सपोज करो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे ही कोई थैंक यू पेज पे आए, राइट, जैसे ही कोई कहां आए थैंक यू पेज पे, तो आपके लिए क्या बन जाए? कन्वर्जन। जो भी थैंक यू पेज पे आया वो क्या आपके लिए? कन्वर्जन है ना, वो लीड बना या उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो आपके लिए बन गया कन्वर्जन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या चाहते हो आप? अलग से मिले आप, ये इंफॉर्मेशन आपको अलग से मिले, आप ऐसा चाहते हो।
राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इवेंट पिक्सल यूज करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, इवेंट पिक्सल, मतलब पहला पिक्सल जो आप लगाओगे वो सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास भेजेगा। अब दूसरा आया इवेंट पिक्सल, आप इवेंट पिक्सल लगाओगे तो एक स्पेसिफिक पेज की इंफॉर्मेशन कहां आएगी, फेसबुक के पास। वो हो सकता है थैंक यू पेज, लैंडिंग पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो वो होता है कस्टम इवेंट पिक्सल या इवेंट पिक्सल, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल भी दो टाइप में बना है। अब स्टैंडर्ड पिक्सल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फेसबुक का पिक्सल कोड कॉपी करना होता है और अपने वेबसाइट के हर पेज पे उसको फायर करना होता है। दूसरा, इवेंट पिक्सल लगाने के लिए क्या करना होता है, आपको एक अपना कोड लेना होता है इवेंट पिक्सल, और उसको आप जहां पे भी फायर करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक पेज पे, सपोज करो आप फायर करना चाहते हो थैंक यू पेज पे, तो ये पिक्सल कहां पे लगेगा, जस्ट थैंक यू पेज पे, बाकी पेजेस पे ये पिक्सल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको इवेंट पिक्सल ना लगाना पड़े और फिर भी आप इवेंट पिक्सल का काम कर सकते हो, तो ये काम करना भी पॉसिबल है। इसके लिए फेसबुक ने एक चीज दे रखी है, कस्टम कन्वर्जन। ये हम बनाना सीखेंगे कि कस्टम कन्वर्जन हम कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये आपने देखा कि फेसबुक पिक्सल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू वीडियो थी जिसमें हमने सीखा कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है और फेसबुक पिक्सल काम क्या करता है और फेसबुक पिक्सल कितने टाइप का होता है, राइट। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, तो एक ट्रैकिंग कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वहां से फेसबुक के पास आ सके, राइट। और फेसबुक पिक्सल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्टैंडर्ड और इवेंट। फेसबुक पिक्सल काम क्या करता है, तो अगेन इन्फॉर्मेशन भेजता है, और इस इन्फॉर्मेशन का यूज क्या है, तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज है कि आपको एड का ये पता चलेगा कि कौन सी एड कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरा काम क्या है, इससे आप बना सकते हो अपनी कस्टम ऑडियंस। तीसरा काम क्या है, इस कस्टम ऑडियंस से आप बना सकते हो लुकअलाइक ऑडियंस। ठीक है, तो ये थी लेसन नंबर 24, ओवरव्यू था फेसबुक पिक्सल के बारे में। आगे के लेसन में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे फेसबुक पिक्सल और कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।